सिंगरौली में पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने बताया कि किशोरी की हत्या बदला लेने के लिए हीरा सिंह गोड़ ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैढ़ल के आमडीह टोला गोभा की 15 वर्षीय किशोरी की अंधी हत्या का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। बीते दिनों फरियादी किशन यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जंगल में मवेशी चराने गई थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद थाना प्रभारी अरुण पांडे द्वारा प्रकरण पंजीबृत कर जांच शुरू कर दी गई। बाद में लड़की का शव मिला। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि किशोरी की हत्या हीरा सिंह गौंड ने की थी। आरोपी हीरा सिंह गौंड ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान बताया कि जंगल में वह झोपड़ी बनाकर रहता था, जिसको वन विभाग के लोगों ने गिरा दिया था। झोपड़ी में रखे बर्तन भी फेंक दिए थे, जिसमें इस किशोरी ने भी वन विभाग के कर्मचारियों की मदद की थी। इसी के चलते उसने मौका पाकर किशोरी की हत्या कर दी थी और शव को खड्डे नुमा कुएं में फेंक दिया था। दिनांक 22/8/20 को ग्राम आमडी गोभा निवासी नाबालिग किशोरी अपने घर से जंगल में मवेशी लेने गई थी, जो कि अचानक गायब हो गई थी, जिसका शव दिनांक 24/8/20 को वहीं जंगल में कुएं नुमा जगह में मिला था, जिसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया और मर्ग और अपराध की जांच के दौरान यह पाया गया कि ये प्रकरण मारपीट कर हत्या करने का प्रकरण है, जिस पर प्रकरण में धारा 302-201 भी बढ़ाई गई और अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के आधार पर आरोपी हीरा सिंह गोड़ निवासी ग्राम गोभा को पकड़ा गया और उससे पूछताछ पर उसके द्वारा उसकी झोपड़ी तोड़े जाने के बाद लड़की द्वारा सामान फेंकने और मना करने पर नहीं मानने पर उस बात को लेकर उसकी हत्या करना और शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से कुएनुमा गड्ढे में डाल देने के तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको आज दिनांक न्यायालय में पेश किया गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।